सैनिक हो, वस्त्र लपेटो इस वानर की पूछ पर, इसकी संपूर्ण पूछ पर खेच डालो। मेघनाथ, ये आग तुमने मेरी पूछ पर नहीं अभी तो इस संपूर्ण लंका में लगा दी है। लगता है प्रभु श्री राम की कृपा से सभी 49 पवन एक साथ ही चल पड़े हैं। अब इस अग्नि को कोई नहीं बुझा सकता। जय श्री राम। ओम अग्नि देवाय नमः। ओम अग्नि देवाय नमः। महाराज, ये आपके अहंकार और अधर्म की अग्नि है जिसमें आज संपूर्ण लंका जल रही है। युवराज, रक्षा कीजिए, युवराज हमारी रक्षा कीजिए, बचाइए, बचाइए युवराज। तुम अपनी रक्षा स्वयं करो, हमें संपूर्ण लंका की रक्षा करनी है। जय श्री राम। जब इसकी पूंछ पर लगी अग्नि से पूरी लंका जल रही है तो स्वयं इसकी पूंछ तो नहीं जल रही है। जय श्री राम। कौन है जिसने इसकी अग्नि को धारण कर लिया है? ओम अग्नि देवाय नमः। ओम अग्नि देवाय नमः। अग्नि के भी भैया का शरीर अग्नि के समान क्यों तप रहा है? अवश्य भैया ने भाभी और हनुमान जी के संकटों को स्वयं पर धारण कर लिया है। मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक रावण का संपूर्ण विनाश नहीं हो जाता। रावण, हमारे कर्मों के कारण ही प्रभु श्री राम तुम्हारा अंत करेंगे। जय हनुमान। राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। ये तो विभीषण जी का स्वर है। राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। जिसके हृदय में भक्ति की ज्योति जल रही हो उसे कोई अग्नि भला कैसे स्पर्श कर सकती है? राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। इस संपूर्ण लंका में केवल विभीषण जी के महल को सुरक्षित देखकर और भी असुरों को प्रभु श्री राम की भक्ति की प्रेरणा मिलेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। रक्षा कीजिए हनुमान जी। हनुमान जी, रक्षा कीजिए। ये तो विभीषण जी का स्वर नहीं है। फिर कौन है इस लंका में जो मुझे पुकार रहा है? जय श्री राम। हनुमान जी, हमारी रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए हनुमान जी, हमारी रक्षा कीजिए। सुनिए, आप परिस्थिति में? हाँ हनुमान जी, हाँ।
रावण ने मुझे यहाँ बंदी बना रखा है। किंतु क्यों, आपकी इससे क्या शत्रुता? हनुमान जी, मैं आपको सब बताऊंगा। पहले आप मुझे इस अधर्म के बंधन से मुक्त कीजिए। क्षमा कीजिए। जय श्री राम। श्री राम। हनुमान जी, मैं वर्षों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं जानता था समस्त संसार में केवल आप ही हैं जो मुझे रावण के तंत्र बंधन से मुक्त कर सकते। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। शनिदेव, मुझे उत्सुकता तो बहुत हो रही है कि मैं ये जानूं कि रावण ने आपको यहां बंदी क्यों बना रखा था। किंतु अभी मेरा राम काज पूर्ण नहीं हुआ है, आपको मुझे आज्ञा देनी होगी। हनुमान जी, आप अपना राम काज पूर्ण कीजिए, मैं समुद्र तट पर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। अवश्य। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। इस भीषण अग्नि से अब हमें कोई नहीं बचा सकता। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। धन्य है भैया राम जो स्वयं तप कर अपने भक्तों पर शीतलता प्रदान करते हैं। रावण, अभी तो केवल रामदूत ने तुम्हारी लंका का दहन किया है, किंतु प्रतीक्षा करो, आप प्रभु श्री राम स्वयं आएंगे, तब तुम्हारे अधर्म अत्याचार और अहंकार का दहन होगा, तब होगा रावण दहन। जय श्री राम। मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक रावण का संपूर्ण विनाश नहीं हो जाता। रावण, हमारे कर्मों के कारण ही प्रभु श्री राम तुम्हारा अंत करेंगे। जय हनुमान। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। है जनक नंदिनी, आंखें खोली। हनुमान जी पर आया संकट टल चुका है। क्या आप सच कह रहे हैं अग्निदेव? हाँ देवी, आपकी भक्ति और निष्ठा के कारण अग्नि भी हनुमान जी के लिए शीतल हो गई, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूं कि आज के पश्चात संसार की कोई भी अग्नि आपको जला नहीं पाएगी और इस सृष्टि का कोई भी पाप और अधर्म आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएगा और आप सदैव अग्नि के समान पवित्र रहेंगे। श्री राम। जय श्री राम। आज यदि आप ना होते तो न जाने कितने वर्षों तक मुझे रावण का बंदी बनकर रहना होता। परंतु शनिदेव, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि रावण ने आपको बंदी क्यों बना रखा था। हनुमान जी, ये मेघनाथ के जन्म के समय की बात है।
रावण चाहता था कि सभी ग्रह नक्षत्र ऐसी जगह चले जाएं कि मेघनाथ की कुंडली में स्वयं ही अमरता का योग बन जाए। रावण के भय से सभी ग्रहों ने उसकी बात भी मान ली, किंतु मैं रावण की इच्छा के विरुद्ध एक ऐसे स्थान पर चला गया जिससे मेघनाथ की अल्प आयु में ही मृत्यु का योग निर्धारित हो गया। ये तो आपने सर्वथा उचित किया शंते, अन्यथा मेघनाथ के अधर्म का दंड देना असंभव हो जाता। हाँ हनुमान जी, किंतु इसी कारण रावण ने मुझे लंका में बंदी बनाकर रखा। अधर्मी रावण, नियति को अपने अनुसार परिवर्तित करने का प्रयास वो सदैव करता रहा है शमीदे, किंतु अपने अहंकार में यह भूल जाता है कि धर्म के सम्मुख उसका वही अस्तित्व है जो आंधी के सम्मुख एक तिनके का होता है। हनुमान जी, मैं कर्म फल दाता हूं और आज आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूं कि आज से आपका कोई भी भक्त जो आपकी भक्ति करेगा उस पर मेरी कुदृष्टि कभी नहीं पड़ेगी और आपका हर भक्त सदैव ही शुभ फल की प्राप्ति करेगा। शनिदेव, आपका अनुग्रह पाकर मैं धन्य हो गया। हे छाया पुत्र, अब आप अपने लोक को प्रस्थान कीजिए। नहीं हनुमान जी, मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक रावण का संपूर्ण विनाश नहीं हो जाता। आज और अभी से मेरी कुदृष्टि रावण पर आरंभ होती है और शनि की कुदृष्टि का केवल एक ही अर्थ है, सम्मान, समृद्धि और जीवन का क्षय। पिछले कर्म कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, हमारे कर्मों के कारण ही शनिदेव की कुदृष्टि तुम पर पड़ी है और तुम्हारे कर्मों के कारण ही प्रभु श्री राम तुम्हारा अंत करेंगे। जय श्री राम। हनुमान, आप ठीक तो हैं? अग्नि ने आपको कुछ अहित तो नहीं किया? माता, जिस पर आपकी और प्रभु श्री राम की कृपा हो,
उसे भला कैसे पूछ सकता है। माता, आप दोनों की कृपा से मुझे तो अग्नि भी शीतल लग रही थी। और स्वयं उस रावण की अग्नि से उसी की लंका धू धू कर जल गई। हनुमान, आज रावण की लंका ही नहीं, अभी तो उसके अधर्म की लंका सहित उसका अहंकार भी जलकर राख हो चुका है। पिताश्री, सैनिकों ने उस वानर को समुद्र की ओर जाते हुए देखा है, लगता है वो लंका से भाग गया। हाय, उसने मेरी स्वर्ण लंका जलाई है, मैं किसी भी स्थिति में उसे यहां से जीवित जाने नहीं दूंगा। पुत्र मेघनाथ, तुमने उस वानर को समुद्र की ओर अकेला जाते हुए देखा अथवा वो किसी और के साथ था? दादी श्री, वो यहां आया भी अकेला था और यहां से गया भी अकेला है। इसका अर्थ ये है कि वो लंका से गया ही नहीं। वानर! माता, लंका में अभी के लिए मेरा रामकाज पूर्ण हो गया है। आपको प्रभु श्री राम के प्रेम का संदेश मिल गया और उस अधर्मी को प्रभु श्री राम की शक्ति का। माता, अब मुझे लौटना होगा। माता, यदि आप आज्ञा करें तो मैं इसी क्षण आपको इस पाप की नगरी से ले चलूंगा। रावण की कोई शक्ति मुझे नहीं रोक सकती। माता, पुत्र, वो रामदूत हनुमान यहां पर सीता के लिए आया और उसी के लिए उसने हमारी ये स्वर्ण लंका जलाई है। अब वो जब भी यहां से जाएगा सीता को अपने साथ ले जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वो अशोक वाटिका में ही होगा। मैं अशोक वाटिका में उसके जीवन का शोक हर लूंगा, वहीं मृत्यु दंड दूंगा उसे। हनुमान, मेरा व्यक्तिगत मन तो यही कहता है कि मैं आपके साथ रघुनंदन के पास लौट चलूं। किंतु क्या माता? किंतु मेरा पत्नी धर्म, मेरा स्त्री धर्म मुझे इस बात की अनुमति नहीं देता, क्योंकि यदि मैं यहां से चली गई तो रावण के अधर्म का पूर्ण अंत कभी नहीं होगा, उसके पाप और अत्याचार कभी समाप्त नहीं होंगे। मैं तो यहां से मुक्त हो जाऊंगी, किंतु मेरे स्थान पर कोई और स्त्री उसके अत्याचार की भागी बनेगी। इसलिए हनुमान, मैं रावण का संपूर्ण अंत चाहती हूं। हां माता, और रावण के अधर्म का पूर्ण अंत केवल प्रभु श्री राम के हाथों ही संभव है। इसलिए जब तक मेरे रघुनंदन यहां मुझे लेने नहीं आ जाते मैं यहां से नहीं जाऊंगी। श्री राम के शब्दों ने आपको ढांढस दिया था, उसी प्रकार आपके शब्द प्रभु श्री राम को बल प्रदान करेंगे। इसलिए माता, आज्ञा कीजिए, क्या संदेश है प्रभु श्री राम के लिए? हनुमान, मेरे रघुनंदन से कहना कि मैं यहां अकेली अवश्य हूं किंतु निर्बल नहीं, इस अधर्म की लंका में हूं किंतु अपने पूर्ण धर्म के साथ। मेरे
मुझे रघुनंदन से कहना कि मेरी हर आस को, हर विश्वास को, हर सांस को केवल और केवल उनकी प्रतीक्षा है। मेरा हृदय केवल एक ही नाम लेता है, रघुनंदन, रघुनंदन, रघुनंदन। माता, मैंने आपका संदेश ग्रहण कर लिया है। मैं केवल आपके शब्दों को नहीं, अपितु आपके भावों को, आपकी भक्ति को प्रभु श्री राम के चरणों में निवेदन करूंगा। माता, मेरी आपसे केवल एक प्रार्थना है। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने आपके लिए अपनी मुद्रिका दी थी, उसी प्रकार आप प्रभु श्री राम के लिए अपनी को निशानी दीजिए माता, जो मैं उन्हें भेंट कर सकूं। ये चूड़ामणि तेरे रघुनंदन के प्रेम की निशानी है। वे अवश्य इसे पहचान जाएंगे। मुझे प्रतीक्षा रहेगी हनुमान, रघुनंदन के साथ पुनः आपके दर्शन की। अवश्य माता। लौटते हुए माता सीता ने मुझे अपनी यह निशानी दी। मैं दशरथ नंदन राम ये प्रण लेता हूं, एक मास के भीतर हमारे अन्याय और अधर्म का अंत करूंगा। प्रभु श्री राम अपने संपूर्ण वानर सेना के साथ तुम्हें तुम्हारे अधर्म का दंड देने के लिए लंका की ओर प्रस्थान कर चुके होंगे। लौटते हुए माता सीता ने मुझे अपनी यह निशानी दी। मैं दशरथ नंदन राम ये प्रण लेता हूँ, एक मास के भीतर हमारे अन्याय और अधर्म का अंत करूंगा। प्रभु श्री राम अपने संपूर्ण वानर सेना के साथ तुम्हें तुम्हारे अधर्म का दंड देने के लिए लंका की ओर प्रस्थान कर चुके होंगे।